नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। विनायक क्लासेज श्री माधुपुर के YouTube चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मैं किशनलाल चौधरी आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ लेके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट। पिछली कक्षाओं में हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा, आज हम उसी अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फाबेट में आज पढ़ेंगे हम वर्ड फॉर्मेशन, मतलब शब्द निर्माण। प्यारे दोस्तों, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ मेरे प्यारे साथियों की कमेंट्स भी थे, शिकायत भी थी कि सर वीडियो में जो आवाज़ की क्वालिटी है वो थोड़ी सी ऐसे ही आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने ये माइक वाइक सिस्टम भी लगाया है। देखते हैं आज के वीडियो में जो आवाज़ की क्वालिटी है वो कैसी क्या रहती है। आप भी अपने सुझाव दें वीडियो के बारे में कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, आवाज स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात। दोस्तों, आपने अनाज देखा होगा और अनाज के बारे में सुना भी होगा। कोई भी अनाज ले लो आप, उसमें असीमित क्षमताएं होती हैं, लेकिन उसे खुद को नहीं पता होता है कि उसमें कितनी क्या क्षमताएं हैं। अगर आप एक अनाज को कहीं पे रख देते हैं तो आपको 5-7 साल बाद में भी वैसा का वैसा ही पड़ा मिलेगा, मतलब उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सेम उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी उस अपने आप को उस अनाज के अकॉर्डिंग ही मान के चले, लेकिन अगर उसी अनाज को हम जमीन में बो देते हैं, जमीन में बोने के बाद में उसे जल मिलता है, मिट्टी मिलती है, वायु मिलती है, प्रकाश मिलता है, और इन सब चीज़ों से उसमें अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है, और अंकुरित होने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद वहाँ से एक छोटा पौधा तैयार होता है, और पौधे से धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है, और बड़ा होकर एक बीज से वो लाखों हजारों बीज में परिवर्तित हो जाता है, या उसी एक बीज से लाखों हजारों बीज प्राप्त हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से विद्यार्थी में भी असीमित क्षमताएं होती हैं। विनायक क्लासेज यूट्यूब आप लोगों की उन्हीं असीमित क्षमताओं को बाहर निकालेगा। जैसे उस बीज को जल मिला, पानी मिला, प्रकाश मिला, हवा मिली, और ये सब प्राप्त करके उसने काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त किया, एक बीज से लाखों बीज तैयार हो गए। उसी प्रकार से आप लोगों के अंदर भी जो छुपी हुई असीमित क्षमताएं हैं उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा YouTube चैनल आपको मैथ्स की क्लास दे रहा है, रीजनिंग की क्लास दे रहा है, करंट अफेयर्स की क्लास दे रहा है, हिस्ट्री की क्लास दे रहा है, और आगामी दिनों में वो सब क्लासें आप लोगों को हम उपलब्ध करवाएंगे, ताकि उनको देखकर, उनको पढ़कर आपके अंदर जो छुपी हुई असीमित क्षमताएं हैं उनमें आप निखार ला सको और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक अपना अल्फाबेट ही है। अल्फाबेट में हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण पर आधारित क्वेश्चन। शब्द निर्माण पर आधारित क्वेश्चन मतलब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द दिए गए होंगे और उन शब्दों के नीचे 3-4 शब्द जो कि ऑप्शन में दिए गए होंगे, और उन दिए गए ऑप्शन वाले शब्दों में से वो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, उनका क्रम पूछ लेता है कि आरोही क्रम कौन सा होगा, अवरोही क्रम कौन सा होगा, उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करवाने के बाद में बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, इस प्रकार का शब्द कौन सा होगा। तो चलते हैं हम शब्द निर्माण पर या वर्ड फॉर्मेशन।
देखो पहला क्वेश्चन है अपना शब्द निर्माण पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, दिए गए पर्सन में एक शब्द दिया गया है, मतलब वहां आपको पर्सन में एक शब्द दिया गया होगा जैसा कि यहां पे दिया है, शब्द के चार विकल्प दिए गए हैं तथा इस शब्द के चार विकल्प दिए गए हैं। अगर आप एसएससी या अदर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड वगैरह इनकी एग्जाम देते हो तो चार विकल्प होंगे, बैंक की अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पांचवा विकल्प ही हो सकता है, और पांचवा विकल्प हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं या और कुछ दिया गया होगा। उनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द से बना हो, मतलब दिए गए शब्द से बना हो से यहाँ पे तात्पर्य है, यहाँ पे ये शब्द दिया गया है पी आर ई एम ओ एन आई टी आई ओ एन, और उसके बाद में ये चार विकल्प दिए गए, आपको इन चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पर्सन में या दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है मतलब चार विकल्प में से तीन विकल्प तो आपके पास ऐसे होंगे जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाए जा सकते, और एक विकल्प ऐसा होगा जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, और उसी विकल्प का आपको चयन करना है। तो किस प्रकार से हमें चयन करना है, कहने का मतलब है जैसे शब्द में पी है, यहाँ पे भी इन विकल्प में आपके पास पी होना चाहिए, या आर है तो यहाँ पे भी आर होना चाहिए, ई है तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए, मतलब विकल्प में जो दिए गए अक्षर हैं वो सारे के सारे अक्षर अगर पर्सन वाले जो दिए गए शब्द हैं उसमें आपको मिल जाते हैं तो वो शब्द यहाँ से बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखो, एक तो कोई जरूरी नहीं है कि क्रम ऐसा का ऐसा ही हो, मतलब क्रम जरूरी नहीं है, आपको अक्सर देखना है कि यहां वाले जो ऑप्शन वाले अक्सर हैं वो शब्द पर्सन के शब्द में है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पे जैसे दो दो अक्सर दे देता है और यहां पे वो अक्सर एक बार ही होता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो चेक करें, ए ऑप्शन है यहाँ पे ए सी टी आई ओ एन, देखो यहाँ पे ए आपको नजर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ ऑप्शन में ए दिया गया है, इसलिए ये शब्द तो नहीं बनाया जा सकता। दूसरे में भी आपको ए नजर आ रहा है तो दूसरा ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन, या तो ये होगा या ये, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम चेक करते हैं मोनिटर, देखो एम ओ एन, तो ये रहा एम ओ और एन, आई ये रहा आई, टी ये रहा टी, ओ ये रहा ओ, और आर ये शुरू में ले लिया आर। तो मॉनिटर शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं एम ओ एन आई टी ओ आर, ये सारे के सारे अक्षर यहां पर्सन वाले दिए गए शब्द में उपलब्ध हैं, इसलिए कौन सा शब्द बनाया जाएगा, मॉनिटर। अब बात करें रिमूव की, आर ये रहा आर, ई ये रहा ई, M M O O V क्या नहीं है, V नहीं है, तो यहां पे V है और यहां पे V नहीं है, इसलिए यह शब्द भी नहीं बनाया जा सकता। डबल E आ रहा है, दोबारा से E आ रहा है, जबकि यहां पर्सन में एक ही E है, इसलिए अगर V होता ये डबल E आ गया तो यह भी नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, C। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। उसी प्रकार मतलब इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, जैसे मान लीजिए आपको कोई चाय बनाने के लिए कहे, जैसे आपके पापा ने आपको कहा बेटा चाय बना के ला अंदर से, अब चाय बनाने के लिए जो आवश्यक अति आवश्यक जो चीजें हैं, जैसे पानी भी चाहिए आपको, दूध भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, अगर ये सारी चीजें आपके पास रसोई घर में उपलब्ध होंगी तो आप आसानी से चाय बना सकते हो। लेकिन मान लीजिए रसोई घर में चीनी है, पानी है, चाय पत्ती है, दूध नहीं है, जब दूध नहीं है तो क्या आप चाय बना के ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते। अब ऐसा नहीं है सर बना लाएंगे काली चाय बना के ले आएंगे, वो बात है अलग है। तो कहने का मतलब है यहां जो शब्द में जो अक्षर उपस्थित है वो यहां पर्सन वाले शब्द में भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऐसा ही होगा, लेकिन वहां पूछेगा नहीं बनाया जा सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा शब्द देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केवल इतना सा अंतर होगा, वहां बनाया जा सकता है ये पूछेगा, यहाँ पूछेगा नहीं बनाया जा सकता। अभी देखो हमने पढ़ा था बनाया जा सकने वाली स्थिति में तीन ऑप्शन ऐसे थे जो नहीं बनेंगे और केवल एक ऑप्शन था जो बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया जा सकता उस स्थिति में तीन ऑप्शन तो होंगे बनने वाले और एक ऑप्शन होगा नहीं बनने वाला। मतलब यहां पे आपकी ये स्थिति वाला जो क्वेश्चन है वो आंसर होगा। यहां बेमेल छाटिए वो स्थिति देकर भी पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन है दिए गए पर्सन में एक शब्द दिया गया है, शब्द है आपका आई एन एफ आर ए इंफ्रास्ट्रक्चर एस टी आर यू सी टी यू आर ए इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द दे रखा है के चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, कभी कभी जल्दबाजी में पूछता है नहीं बनाया जा सकता और हम करके आ जा सकते हैं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन पे चलते हैं एन ए टी यू आर ई, देखो ये रहा एन ए टी यू आर और ई, तो नेचर शब्द में जो भी अक्षर है वो सारे के सारे शब्द में दिए गए इसलिए ये तो बनेगा। दूसरा सी एच ए आर, तो यहां पे सी है ये रहा सी। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि सर इसमें ये एन ए देख लिया, ए देख लिया, टी देख लिया, यू देख लिया, आर देख लिया, तो अब उनको दोबारा देखे कि नहीं देखे, ये अलग अलग शब्द है तो दोबारा देख सकते हो। तो सी एच ए ये रहा सी, एच कहीं पे नजर आ रहा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब यहां पे H है और शब्द में H नहीं है इसलिए यह शब्द ही नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये भी बनाया जाएगा और ये भी बनाया जाएगा, क्योंकि नहीं बनाने वाला पूछा है तो दूसरा भी ऑप्शन मिल गया तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बाकी आप ऑप्शन से चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप आगे वाले क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो आंसर क्या हो गया सी एच ए आर टी ई आर, क्यों नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहां पे एच है जबकि यहां पे एच नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है शब्द निर्माण पर आधारित ही कि निम्नलिखित नामों को, क्वेश्चन को अच्छे से देखना, निम्नलिखित नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो कौन सा नाम दाएं से दूसरे स्थान पर आएगा। और फिर नाम दिए गए, देखो सारे नाम ऐसे सेम से ही नजर आ रहे हैं एस यू आर आई एन डी आर ए एस यू आर ई एन डी आर ए एस एच यू आर ई एन डी आर ए एस यू आर ई एन डी ई आर एस यू आर आई एन डी ई आर। दोस्तों ये सेम वही या उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जैसे अगर हम जब बचपन में अपनी जो प्राइमरी स्कूल छोड़कर अपर प्राइमरी या फिफ्थ क्लास पास करने के बाद में जैसे सिक्स क्लास में जब भी हम गए थे तो अपना जो अटेंडेंस नंबर होता था वो सबके लास्ट में आता था, चाहे अपना कोई भी नाम हो या मतलब अपने नाम का पहला डिजिट कोई भी हो, अपना अटेंडेंस नंबर लगभग 51-52 नंबर पे आता था। लेकिन जैसे ही जुलाई महीना होता था, जुलाई महीने के बाद में अगस्त महीने में अपने जो अटेंडेंस नंबर है वो चेंज हो जाया करते थे। कभी आपने उस समय सोचा कि अपने अटेंडेंस नंबर चेंज क्यों होते थे? नहीं, उस समय नहीं सोचा, लेकिन वो चीजें अब आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, अब आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो ऐसा इस वजह से होता था क्योंकि रजिस्टर में जो क्लास टीचर होते थे, वो क्लास टीचर जो भी रजिस्टर में बच्चों के नाम होते थे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते थे, या यूं कह सकते हैं कि डिक्शनरी के ऑर्डर में आते थे। मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले, जैसे अनिल है, अवनी है, ठीक है, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई एफ, इस प्रकार से मतलब ए से जेड तक, लास्ट लास्ट में जैसे विकास, योगेश, इस प्रकार से, तो लास्ट में उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम है आता था। या यू हम यू कह सकते हैं कि जो डिक्शनरी है, जो अपना
अंग्रेजी शब्दकोश है, अंग्रेजी शब्दकोश में भी पहले ए से स्टार्ट होने वाली मीनिंग होगी, फिर बी से स्टार्ट होने वाली, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई एफ से स्टार्ट होने वाली मीनिंग्स होगी। या अगर आप बड़े शहरों की मोबाइल डायरी उठा के देखें तो मोबाइल डायरी में भी पहले ए से स्टार्ट होने वाले शहरों के मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे। या मोबाइल डायरी क्यों, आप अपने जो मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको भी आप चेक कर सकते हो। जो अपने मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसमें भी अगर आप ऊपर ही ऊपर देखोगे तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले नाम मिलेंगे, फिर ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, इस प्रकार से। मतलब ये भी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में ही चलता है। तो उसी क्रम के अकॉर्डिंग यहां पे आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको यहां पे बताना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए, क्रम में मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए से लेके जेड तक। अब समस्या यहां पे ये आ रही है कि सर ये तो शुरू सभी एस से स्टार्ट होने वाले हैं। अब जब सभी एस से स्टार्ट होने वाले हैं मतलब पहला अक्षर अगर सभी में सेम है तो ऐसी स्थिति में हम कौन से अक्षर पे चलेंगे, दूसरे अक्षर पे चलेंगे। जैसे क्लास में भी बहुत से ऐसे सरोज नाम से तीन चार लड़कियां होती थी, ज़्यादातर कॉमन नाम यही मिलता था, ठीक है। अब क्लास में तो उनको हम ऐसे सरोज फर्स्ट, सरोज सेकंड, सरोज थर्ड, इस प्रकार से पुकारते थे। लेकिन सही स्थिति अगर वहाँ पे देखी जाए तो वहाँ पे या तो उनका जो मिडिल नेम था उनके अकॉर्डिंग उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाता था, या फिर अगर मिडिल नेम भी सेम है तो जो लास्ट वाला जो गोत्र है या जो भी कास्ट वगैरह है उनके अकॉर्डिंग उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली जो रैंक है वो दी जाती थी, या फिर अगर तीनों ही चीजें सेम होती तो पापा के नाम के अकॉर्डिंग देते थे। तो यहां पे देखो पहला अक्षर सब में सेम है इसलिए सबसे पहले कौन सा आएगा डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहां दूसरा अक्षर यू यू एच यू और यू, यहां पे दूसरा अक्षर कुछ अलग है। एच कितने नंबर पे आता है, आठ पे, यू 21 पे, यू 21 पे, ये भी यू 21 पे और यू 21 पे, मतलब आठ वाला पहले आएगा 21 वाला, स्वाभाविक सा है आठ छोटी संख्या इसलिए आठ वाला सबसे पहले आएगा, मतलब एक नंबर पे तो आ जाएगा सी ऑप्शन। एक नंबर पे कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। अब बात करें इनकी तो यहां पे दूसरा सब में समान है तो तीसरा आर 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 और आर, तीसरा अक्षर भी सब में क्या है, समान। तो चौथे अक्षर पे चले आई 9 पे, ई 5 पे, चौथा अक्षर क्योंकि देखो ये तो जा चुका है इसको अब दोबारा से नहीं लेना है, ई 5 पे, यहाँ पे ई 5 पे और आई 9 पे। तो बताओ 9 वाला पहले आएगा, 5 वाला पहले आएगा, 5 वाले पहले आएंगे मतलब या तो बी या डी। अब इनमें भी पहले कौन, एन एन, डी डी, आर और ई, यहां जाके अलग हो रहा है, ई 5 पे और आर 18 पे, तो 5 वाला पहले आएगा मतलब सी के बाद में कौन सा गया, डी, डी के बाद में कौन सा गया, बी। अब ये स्थिति भी गई और ये स्थिति भी गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी यू से स्टार्ट, ये भी यू से स्टार्ट, ये आर 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 कॉमन, अब आई वाला बाद में आएगा, ई वाला पहले आएगा। अब आई वाला देखो आई आई एन आई एन डी आई एन डी, यहाँ पे आर और यहाँ पे ई, तो ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो ई 5 वाला पहले आएगा मतलब ई और ए। तो इन शब्दों का ये क्रम होगा, सी नंबर वाला सबसे पहले, डी नंबर वाला दूसरे नंबर पे, बी नंबर वाला तीसरे नंबर पे, ई नंबर वाला चौथे नंबर पे और ए वाला आएगा वो कहां आएगा, लास्ट ही लास्ट में। तो अब आपको दाएं से दूसरा बताना है, तो दाएं से दूसरा कौन सा हो गया, ई नंबर वाला, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द क्रम पर आधारित ही है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। देखो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन यहां पे थोड़ा सा पूछने का जो तरीका है क्वेश्चन का वो अलग है, मतलब यहां ऑप्शन में यहां पे जो क्रम दिए गए हैं क्रम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्रम या तो होगा आरोही क्रम या होगा अवरोही क्रम। आरोही क्रम से तात्पर्य ए से जेड तक और अवरोही क्रम से तात्पर्य है जेड से ए तक।
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आरोही और अवरोही क्रम में इनकी डेफिनेशन तो याद रख लेते हैं कि संख्याओं को या अक्षरों को घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है और बढ़ते क्रम से घटते क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है, लेकिन एग्जाम में जाके वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्थिति क्या है, आरोही कौन सा क्रम होगा और अवरोही कौन सा क्रम होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज या छोटी सी जानकारी बताऊँ, आरोही और अवरोही अगर इन दोनों शब्दों का आप उच्चारण करते हो तो इजी वे में आप आरोही को बोल सकते हो, मतलब आरोही एक अवरोही, तो इजी वे में क्या बोलोगे, आरोही। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक से सौ तक की जो गिनती है वो, और एक है सौ से एक तक की गिनती, जिसे हम सीधी सिल्टी गिनती या इसको हम उल्टी गिनती कहते हैं। तो इजी वे में कौन सी गिनती बोल सकते हैं, एक से सौ तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और जबकि थोड़ा सा टफ मुश्किल कौन सा काम होगा, सौ से एक तक की गिनती बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए जो मुश्किल है वो अवरोही और जो ईजी है वो आरोही। तो आरोही क्रम पूछ सकता है या अवरोही क्रम पूछ सकता है, कोई सा भी क्रम हो सकता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में वो दे ही, लेकिन यहाँ शब्दकोश के अनुसार क्रम व्यवस्थित करना है। तो देखो वही पहला अक्षर सब में क्या है, कॉमन, ए ए ए और ए, पहला अक्षर सब में कॉमन है। दूसरा अक्षर पी, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है। तो पहला और दूसरा अक्षर अगर कॉमन है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे पहले या सबके अंत में कौन सा आएगा, तो ऐसी स्थिति में तीसरे अक्षर की तरफ चलते हैं। तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या है, पी, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी और यहाँ पे क्या आ गया, ए, ए आ गया, मतलब तीसरा अक्षर चेंज हो गया। तो पी बाद पहले आता है, ए पहले आता है, बताओ ए एक नंबर पे, पी सोलह नंबर पे, तो एक नंबर वाला पहले आएगा, पी सोलह पी सड़ा, तो एक नंबर वाला पहले आएगा, मतलब पांच नंबर का सबसे पहले। तो ऑप्शन पे चलो आप, पांच नंबर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सभी में पांच नंबर पहले दे रखा है। तो अब बाकी चार शब्द बच गए, उनके अकॉर्डिंग देखो, तो ए डबल पी एल, ए डबल पी आर चेंज हो रहा है, ए डबल पी एल और ए डबल पी एल, तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है, एल बारह पे आर अठारह पे, एल बारह पे आर अठारह पे, सॉरी एल है तो एल यहाँ पे भी बारह पे। तो बताओ बारह वाला पहले आएगा कि नहीं आएगा, अठारह वाला लास्ट में गया, मतलब दो नंबर लास्ट में, तो दो नंबर लास्ट में यहाँ पे है या यहाँ पे, तो ये दो ऑप्शन तो गए, ऑप्शन बेस पर आधारित क्वेश्चन है तो ऑप्शन दो तो गए। अब या तो ये वाली स्थिति है ये वाली, अब देखो यहाँ पे एक और एक दोनों कॉमन, यहाँ पे चार, यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें दो है और इसमें तीन है, ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में दो इसी एक में बचाए तो ये ऑप्शन भी गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीन नंबर। आप चेक कर सकते हो ए डबल पी एल, ए डबल पी आर, ये तो बाद में ए डबल पी एल और ए डबल पी एल, आगे ई पांच पे, एल वाई पच्चीस पे और आई नौ पे। तो पांच वाला पहले आएगा मतलब एक नंबर, फिर नौ वाला बाद में आएगा तो चार नंबर, फिर वाई वाला बाद में आएगा तो तीन नंबर, और ये दो नंबर वाला सबके लास्ट में चला गया, तो आंसर कौन सा हो गया, पांच एक चार तीन दो। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो शब्दकोश पर आधारित ही है, उसमें या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। दोस्तों शब्द निर्माण पर जो आधारित टाइप है उसमें से मुख्यतः पांच टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो विशेष तौर से बैंक्स की एग्जाम में ही पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज क्या रह गई, लंबी रह गई, और लंबी लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज आज के टाइम में कंपटीशन ऐसा है कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे कौन से एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे पांच शब्द दिए गए हैं, यदि इन शब्दों को वर्णमाला के अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने शब्दों के क्रम में बाएं से दूसरा शब्द, बाएं से कौन सा, दूसरा, बाएं से दूसरा शब्द का दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा,
एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहले तो हमें बाएं से दूसरे शब्द पे जाना है और उस शब्द पे जाने के बाद उस शब्द का दाएं से तीसरा अक्षर बताना है। तो दाएं से तीसरा अक्षर बताना है तो अवरोही क्रम का मतलब है पहले जेड से ए तक का क्रम, जेड से ए तक का जो वर्णमाला लिखी होगी वो अवरोही क्रम कहलाता है, सबको विदित है, सबको पता है। मतलब बड़ा अक्षर पहले आएगा, तो पहला अक्षर तो आर सभी में है, कॉमन है, पहले अक्षर से तो डिसाइड कर नहीं सकते। दूसरा अक्षर ए, ई, ए, ई और ए, तो बताओ ई वाला पहले आएगा कि ए वाला पहले आएगा? स्वाभाविक सा ई वाला आएगा, ई वाले दो हैं तो आर ई ए और आर ई बी, तो आर ई बी वाला पहले आएगा। मतलब ये एक नंबर पे, ये दो नंबर पे, एक नंबर पे, दो नंबर पे। तो अब यहां पे बाई बाई तरफ से आएगा कि नहीं आएगा? तो बाएं से दूसरा शब्द क्या हो गया? आर ई ए एस ओ एन, रीजन ही हो गया। हालांकि आप लिखना चाहो तो इनको पूरा लिख सकते हो, लेकिन आंसर आपका यहां से भी आ सकता है। पहला हो गया आर ई बी ए टी ई, फिर आ जाएगा आर ई ए एस ओ एन, तो ये बाएं से पहला और ये बाएं से दूसरा। तो बाएं से दूसरा शब्द का दाएं से तीसरा अक्षर, तो ये देखो इसका बाया और ये दाया, तो दाया पहला दूसरा और तीसरा अक्षर क्या हो गया? एस। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अब बाकी जो आगे वाले अक्षर हैं वो चाहे लिखो चाहे न लिखो, क्योंकि उनका क्वेश्चन के आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहो ये एक नंबर पे हो गया, ये दो नंबर पे, फिर आर ए आई, आर ए जेड और आर ए डी, तो जेड वाला पहले आएगा क्योंकि बड़ा पहले आएगा, तो आर ए जेड डबल ई, फिर डी वाला आई वाला पहले आएगा, क्यों? डी चार पे, आई नो पे, जेड 26 पे, तो बड़ा पहले तो जेड 26 वाला और फिर आई वाला, तो ये आ गया आर ए आई एन बी ओ डब्लू, और फिर लास्ट में कौन सा आ गया? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और ये पांच नंबर, तो ये हो जाएगा आर ए डी आई यू एस, रेडिस। तो बाएं से दूसरा कौन सा हो गया? रीजन। बाएं से दूसरा शब्द हो गया आर ई ए एस ओ एन, रीजन। और अब बाएं से दूसरे शब्द का दाएं से तीसरा अक्षर, तो ये दाया पहला दूसरा और तीसरा अक्षर क्या हो गया? एस। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था अपना अल्फावेट में ही था शब्द निर्माण पर आधारित। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि रेलवे की, जो रेलवे वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जंबलिंग वाला, वो जल्द ही लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को, सभी प्यारे दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद।